हेलो दोस्तों, तो यार कैसे आप लोग। तो गाइज एक और बजट लैपटॉप आप लोगों के लिए। तो गाइज ये है Asus VivoBook 15 i3 11 जैन वाला। इससे पहले मैंने Ryzen 3 वाले की भी अनबॉक्सिंग की है, तो उसे कंपेयर करना चाहते हो तो भाई साइड बाई साइड दोनों वीडियो देख लो। और बाकी आप लोग भी बोल रहे थे कि भाई i3 11 जैन वाले का भी रिव्यू लाओ, तो ला दिए भैया। तो चलो फटाफट से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और बाकी बात करेंगे स्पेक्स वगैरह के बारे में। और इस वाले वीडियो में आपको Valorant का गेम प्ले भी दिखाऊंगा, थोड़ा सा मतलब एक दो मिनट का गेम प्ले भी दिखाऊंगा, देखेंगे कैसा परफॉर्म करता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस देखो किस तरह से मिलता है हमारा Asus VivoBook 15 का बॉक्स। और यहाँ पे अगर आप मॉडल नंबर देख पा रहे हो तो इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है X515EA। तो ऑनलाइन वगैरह अगर कहीं भी सर्च करें तो ये है इसका मॉडल नंबर, वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। उसके बाद यहाँ से इसको ओपन करते हैं बॉक्स को, तो अंदर एक और ये वाला सेक्शन मिल जाता है, इसको ऐसे हटा लोगे आप। उसके बाद यहाँ पे हमारा प्लेस्ड है लैपटॉप, इसको निकालते हैं, इसको साइड में रखते हैं। और ये वाले सेक्शन में आपका चार्जर मिल जाता है, देख सकते हो। और इसका चार्जर जो है वो 45 वाट का चार्जर है। और बाकी कुछ तरह की इसकी पावर कॉर्ड मिलती है, और बाकी इसके अलावा कुछ वारंटी कार्ड और पेपर वर्क वगैरह मिल जाता है, यूज़र मैनुअल, जिसे आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। सो चलो फटाफट से इन चीज़ों को रखते हैं साइड में और देखते हैं कैसा है हमारा लैपटॉप। तो गाइस कुछ इस तरह से वाइट कलर के बैग में हमारा लैपटॉप रहता है, इसको निकाल लेते हैं बाहर। सो देख सकते हो भाई ये जो है ये ग्रे वाला है Asus VivoBook 15, और जो पिछला Ryzen 3 वाला था वो सिल्वर कलर में था, तो इसलिए मैं इसको ग्रे लेके आप डिफरेंस भी जान जाओ दोनों कलर्स में भी। और पीछे की साइड में देखो तो भाई एयर इंटेक के लिए यहाँ पे वेंट्स वगैरह दिए गए हैं, और बाकी यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से इसका डिज़ाइन। लेटफ्लेक्स की बात कर लेते हैं, इसमें लेटफ्लेक्स कितना मिलता है, तो देख सकते हो गाइस थोड़ा लेटफ्लेक्स बीच में आपको मिलता है, और पूरा प्लास्टिक बिल्ड है तो इतना लेटफ्लेक्स आपको मिलेगा ही। एंड चलो अब इसमें कुछ पोर्ट्स वगैरह की बातें कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड में आप आ जाओ तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखो आपको एक AC इनपुट का पोर्ट मिलता है, और एक USB Type-C 3.1 का पोर्ट मिलता है, एयर इनटेक के लिए यहाँ पे वेंट मिलता है, और एक HDMI का पोर्ट मिलता है। उसके बाद आपको USB Type-A 3.1 का पोर्ट मिलता है। एंड राइट साइड में आ जाएं तो यहाँ पे देख सकते हो राइट साइड में कुछ इतने सारे पोर्ट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको Kensington लॉक मिल जाता है, फिर आपको दो USB Type-A 2.0 के स्लॉट मिल जाते हैं, फिर आपका एक हेडफोन माइक वाला कॉम्बो मिल जाता है। एंड यहाँ पे कुछ LED इंडिकेटर मिल जाते हैं, देख सकते हो। और सामने कुछ तरह का कटआउट दिया गया है जो आजकल के हर लैपटॉप में दिया जा रहा है, और इसका हिंज ताकि आसानी से उठ जाए। पीछे की साइड में देखा जाए तो यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ वेंट वगैरह दिया गया है एयर इनटेक के लिए। और लैपटॉप का डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी स्लिम है और काफ़ी हल्का लैपटॉप है, 1.8 kg लैपटॉप का वेट है। तो चलो इसको करते हैं ओपन और देखते हैं कैसा है फर्स्ट इंप्रेशन, और बूट भी कर लेंगे भाई साथ ही साथ में, और स्पेक्स की भी बातें कर लेंगे। तो चलो अब इसके लेड को कर लेते हैं ओपन और एक हाथ से उठाएंगे भाई, देखेंगे कैसा है वेट डिस्ट्रीब्यूशन। तो भाई वेट डिस्ट्रीब्यूशन उतना अच्छा नहीं है, हमको एक हाथ लगाना ही पड़ेगा। तो फाइनली लैपटॉप हो गया है बूट, ऑल दो इसमें SSD है इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा बूट टाइम लगा, रिकमेंडेशन यही रहेगी कि SSD इसमें करवा लो। अभी स्पेक्स के बारे में बात करेंगे, बट वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि एंड में अपना कंक्लूजन दूंगा कौन सा वाला वेरिएंट आपको लेना है, क्योंकि इसके काफ़ी सारे वेरिएंट आते हैं। तो चलो फटाफट से बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। तो इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो लगा हुआ है 11 जेन इंटेल कोर i3-11150G4 वाला प्रोसेसर। ये प्रोसेसर आता है 2 कोर्स और 4 थ्रेड्स के साथ में, ये डुअल कोर वाला लैपटॉप है। ऑफकोर्स बजट में 2 ही कोर मिलेंगे आपको, एंड ये क्लॉकेबल है 4.1 GHz तक। और बाकी ये आता है इंटेल के इंटीग्रेटेड ग्राफिक के साथ में, तो कोई डेडिकेटेड ग्राफिक नहीं मिलता है, इसमें ऑनबोर्ड ही ग्राफिक रहेगा आपका। रैम की बात करें तो आपको 8 GB की DDR4 रैम मिलती है, ये चीज़ अच्छी है कि इसमें 3200 MHz की रैम मिलती है, सिंगल चैनल रैम मिलेगी। स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको 1 TB की SSD मिलती है, ठीक है। ये वाले वेरिएंट में पर्टिकुलर ये वाला वेरिएंट जो मैं दिखा रहा हूँ इसमें 1 TB की SSD है। बाकी अपग्रेड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको M.2 का SSD का स्लॉट मिलता है आपको, और बाकी एक और रैम स्लॉट मिलता है गाइज। हाँ, इसमें एक और रैम स्लॉट मिलता है एक्स्ट्रा, जिसमें आप अपनी रैम भी अपग्रेड कर सकते हो, बट ऑलरेडी 8 GB इसमें लगी हुई है। और SSD जरूर से लगवा लेना भाई अगर ये वाला ले रहे हो तो, या तो डायरेक्टली SSD वाला ही ले लो। और डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 15.6 इंचेस का 1080p का 60Hz वाला डिस्प्ले मिलता है। डिस्प्ले की ब्राइटनेस 215 nits है। इसका sRGB 65% का sRGB रहेगा, 45% NTSC का कलर
कैबिनेट मिलता है। और बाकी जैसा कि मैंने सॉफ्टवेयर इसमें बताया कि आपको विंडोज 10 मिलेगा और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिलेगा और मैक एफ ए का एंटीवायरस भी एक साल का मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइफ टाइम फ्री है। बहुत से लोग कमेंट में पूछे ना कितने टाइम के लिए, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो रहता है वो आपका लाइफ टाइम फ्री रहेगा। और बाकी बात कर लेते हैं इसके कीबोर्ड और टचपैड के बारे में। तो कीबोर्ड इसका जो है ना वो थोड़ा सा क्वालिटी में कम लगता है, मतलब हल्का सा कीज़ वॉबली लगती हैं, जैसे बड़ी की जो है वो हल्की हल्की वॉबल करती हैं, बट स्टिल काफ़ी टेक्टाइल और काफ़ी बढ़िया फील होता है। वो चीज़ें आप नोटिस नहीं करोगे, मैं डेली कई लैपटॉप रिव्यू करता हूँ तो वो नोटिसेबल मेरे थ्रू है। और हाँ, ये वाले लैपटॉप में कोई भी बैकलाइट नहीं मिलता है, मतलब कोई भी कीबोर्ड लाइटिंग नहीं मिलेगी आपको। तो ये कमेंट करके बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई कैसे ऑन करें, तो मिलती ही नहीं है भाई। ट्रैकपैड की बात करो, ट्रैकपैड नो डाउट काफ़ी अच्छा है, एक बजट लैपटॉप में बहुत ही बढ़िया ट्रैकपैड है। लेकिन ये वाले वेरिएंट में आपको कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं मिलेगा, राइजन 3 वाले में आपको फिंगरप्रिंट मिलता था। तो इसका ट्रैकपैड स्मूथ है, बड़ा है, मल्टी गेस्चर को सपोर्ट करता है। अब बात कर लेते हैं इसमें स्पीकर की। तो स्पीकर इसका डिसेंट सा है, एक आप सैंपल खुद ही सुन लो फिर आपको पता चल जाएगा। तो यार इसका स्पीकर काफ़ी डिसेंट सा है, बढ़िया है। और वेबकैम और माइक के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको अगर ऑनलाइन मीटिंग वगैरह या क्लासेस वगैरह लेनी है तो वेबकैम और माइक कैसा रिस्पॉन्ड करेगा, तो उसका भी सैंपल आप देख लो। हाय गाइस, ये जो आप वीडियो देख रहे हो और ये जो ऑडियो सुन रहे हो वो रिकॉर्ड हो रही है हमारे ASUS VivoBook 15 के माइक और कैमरा से। क्वालिटी देख सकते हो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है ऑफकोर्स, क्योंकि एक बजट लैपटॉप में आपको इतनी क्वालिटी नहीं है। तो वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक कर दिया जाए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया जाए अभी के अभी। अभी बात करें इसमें बैटरी की, तो इसमें आपको 2 सेल की बैटरी मिलती है। बैटरी बैकअप अराउंड 4 से 5 घंटे का आराम से आपको मिल जाएगा। बाकी आपको इसके साथ 45 वाट का चार्जिंग अडैप्टर तो मिलता ही मिलता है। बाकी लैपटॉप के वेट की बात करें तो इसका वेट भी सिर्फ 1.8 केजी का ही है। तो ये चीज़ें होगी इसके स्पेक्स के बारे में। अब कुछ परफॉर्मेंस टेस्ट वगैरह कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें रन करेंगे Cinebench R23 और देखते हैं क्या स्कोर आता है हमारा। तो Cinebench R23 के परफॉर्मेंस टेस्ट में देख सकते हो स्कोर जो हमारा निकल के आया है, मल्टी कोर में आया है 2757 PTS और सिंगल कोर में आया 1250 PTS। और ये स्कोर Ryzen 3 वाले के स्कोर से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये वाला प्रोसेसर ज़्यादा अच्छा है। आप चाहो तो ये वाले लैपटॉप का Ryzen 3 वाला वीडियो देख सकते हो, उसमें भी मैंने ये स्कोर दिखाया है। सो ये देखा आपने Cinebench R23 का स्कोर और टेस्ट वगैरह। बाकी अब आगे बात कर लेंगे इसमें कुछ गेमिंग की। तो गेमिंग के लिए सिर्फ एक गेम हम इसमें रन करेंगे, क्योंकि ये गेमिंग लैपटॉप नहीं है। आप ये लैपटॉप बाय करें तो उम्मीद है कि आप ज़्यादा गेमिंग वगैरह नहीं करोगे, बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ टेस्टिंग हम इसमें वैलोरेंट रन करके देखेंगे कि कैसा चल रहा है। सो लेट्स गो। तो गाइस ये देखो हमने स्टार्ट कर लिया वैलोरेंट और यहाँ पे वीसिंक हमने ऑन रखा है, सारी सेटिंग लो पे है और ये देख सकते हो ये 1x पे है और सब कुछ लो पे है, सिर्फ ब्लूम ऑन है और बाकी सारी चीज़ें देख सकते हो कैसी हैं सेटिंग्स में। और चलो भैया देखते हैं, अभी देखो 60 FPS आ रहा है कॉन्स्टेंट हमारा। हाँ जी भाई, थोड़ा सा फ्रेम ड्रॉप हो रहा है बैटल वगैरह में, तो फ्रेम ड्रॉप अच्छा खासा हो रहा है, थोड़ा बहुत ये ठीक हो सकता है अगर SSD अपग्रेड कर दो तो। बट देखो, देखा पता नहीं चला, मतलब बैटल वगैरह में थोड़ा फ्रेम ड्रॉप हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना कि हाँ इसमें गेमिंग वगैरह बहुत अच्छे से हो पाएगी। तो ठीक है गाइस, ये था वैलोरेंट का गेम प्ले और ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना गेमिंग वगैरह इस वाले लैपटॉप में। देखो गेमिंग ज़्यादा नहीं करना है लैपटॉप में यार, ये गेमिंग लैपटॉप नहीं है। गेमिंग के लिए लेना तो गेमिंग वाला ही ले लो, यही रिकमेंडेशन है। बट फिर भी अगर आप ये खरीद रहे हो और थोड़ा बहुत वैलोरेंट वगैरह जैसा गेम खेलना है, इसलिए मैंने दिखा दिया। तो ठीक है, ओवरऑल मेरा ओपिनियन पूछो तो भाई ये वाला जो लैपटॉप है ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसका एक और अमेज़ॉन पे वेरिएंट आता है जो SSD के साथ आता है और उसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, तो उसके साथ जा सकते हो, वो 40,000 के आसपास में आता है और ये जो है ये 40,000 से कम में आएगा। और बाकी ये वाला लैपटॉप अगर आपको लेना है तो आप श्वेता कंप्यूटर्स से ले सकते हो, वो आपको 40,000 के अंदर में ही पड़ जाएगा ऑफकोर्स। और हैदराबाद में रहते हो तो भाई श्वेता कंप्यूटर्स पे विजिट करो, वहाँ से ये लैपटॉप भी खरीद सकते हो। और भी कोई और लैपटॉप की आपकी रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप जाके वहाँ से खरीद सकते हो और हमारा रेफरेंस दे दोगे तो थोड़ा डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। तो ओवरऑल ये देखा आपने परफॉर्मेंस टेस्ट और एक ओवरऑल रिव्यू ये वाले लैपटॉप का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं। अब आप मेरे से सवाल पूछोगे कि Ryzen 3 वाला लेना चाहिए या Intel i3 11 Gen वाला लेना चाहिए, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि i3 11 Gen वाला लो, क्योंकि इसका प्रोसेसर थोड़ा सा पावरफुल है। और Ryzen 3 वो लोगों के लिए था जिनका बजट एकदम ही कम है भाई, जिनका बजट 35,000 से कम का है उनके लिए है, और ये लैपटॉप अप्रॉक्सीमेटली 40 के आसपास में आता है,
तो 5-6 हज़ार और ऐड करके इसे ले लो तो बढ़िया ही है भाई। तो ये थी कुछ बातें ASUS VivoBook 15 i3 11 जन के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कौन सा लैपटॉप आपको लेना चाहिए या नहीं। अगर अभी भी कोई डाउट्स हैं, आपके कुछ सवाल हैं, तो कमेंट करके पूछ सकते हो। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। ये वाली वीडियो के बाद सब्सक्राइबर का टारगेट रखते हैं 10.5K, करा दो जल्दी से भाई, तो मज़ा ही आ जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट।